welcome to the another online video of RCI Education Hub Bansur. Okay, so let's continue the next phylum, Mollusca. Okay, so before that we were discussed up to the Arthropoda, and in Arthropoda we were discussed that is the largest phylum which contains all the insects. Okay, so now let's discuss about the Molluscas. It is the second largest phylum. यानी आर्थ्रोपोडा के बाद अगर किसी का टर्न आता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा है तो वो है मोलस्का. ओके, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है. अगर ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट की बात करें सो दे आर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो लैंड में भी मिलते हैं और एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी वो फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर दोनों टाइप की हैबिटेट में मिलते हैं. क्लियर है? इट मीन्स दे आर लिविंग इन साइड द फ्रेश वॉटर एज वेल एज इन टू द मरीन वॉटर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द कॉमन फीचर्स. वही है, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें. ओके, उसके अलावा बाइलेटरली सिमेट्रिकल है. बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू टू इक्वल हाफ थ्रू ए सिंगल प्लेन. ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इट मीन्स द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ थ्री जर्म लेयर्स. यानी ये वर्ड आपको बहुत ही इजिली क्लियर हो जाने चाहिए. कोई भी वर्ड आया एकदम से माइंड में स्ट्राइक हुआ कि हाँ थ्री जर्म लेयर्स है, बिकॉज बार बार वही वर्ड्स आ रहे हैं तो इट शुड बी क्लियर. ओके, सिलोमेट है. सिलोमेट इट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इसमें. ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेकुलियर फीचर, बिकॉज दीज आर द कॉमन फीचर्स, सो पे अटेंशन ऑन द पेकुलियर फीचर. कैल्केरियस सेल, देखिये ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर लिविंग इन साइड ए सेल. यानी एक कवरिंग होती है एंड दैट कवरिंग इज कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस, इट मीन्स कैल्सियम. ओके, यानी जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्सियम की बनी होती है, हार्ड होती है. ओके, अनसेगमेंटेड बॉडी. हमने अभी देखा था कि एनालिडा में जो बॉडी है वो वेल डेवलप्ड या मेटावेरिक सेगमेंटेशन या रिंग लाइक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, बट जो आर्थ्रोपोडा है उनमें कुछ हद तक सेगमेंटेशन दिखाई देती है. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द मोलस्कस there is no segment over the body. okay, और body can be divided into three parts. जैसे हमने arthropoda में भी study किया था कि उनकी जो organisms की body है वो head, thorax और abdomen में divide होती है, but यहाँ पे जो body है that is also divided into the three parts, but वो three parts कुछ अलग होती है. देखिये head, muscular foot and visceral hump. तो three parts में body divide होती है, head, okay, muscular foot and visceral hump. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्नेल की बात करें तो आपने देखा होगा जो स्नेल होता है. ओके, वन मिनट. स्नेल आपने देखा होगा जनरली इस तरह से उसके ऊपर एक सेल होती है. ओके, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये इसी कैटेगरी के अंडर आता है मोलस्कास में. तो देखिए यहाँ पे जो मस्क्यूलर फुट होता है, सबसे पहले मस्क्यूलर फुट का मेन फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन. इट इज ए कॉमन सेंस और सिंपल थिंग है कि फुट नाम है तो क्या फंक्शन है, लोकोमोशन में काम करता है. ओके, सेकेंड है हेड. तो हेड के ऊपर क्या होते हैं? कुछ सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं. आपने देखा होगा इस तरह का डायग्राम, हेड है, हेड के ऊपर टेंटेकल्स होते हैं जिनको हम सेंसरी टेंटेकल्स कहते हैं. यानी जो किसी भी चीज को महसूस कर सकता है, इट कैन फील द थिंग्स कि भाई साइड में कोई डेंजर तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है. और ये जो सेल होती है दैट इज कंसिस्ट ऑफ कैल्सियम. ओके, इसके अंदर जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज विसरल हम्प. अब देखिए हम्प आपने नाम सुना होगा कैमल, ठीक है, कैमल की बॉडी पे एक इस तरह का जो उभरा हुआ पार्ट होता है दैट इज नोन एज द हम्प. तो सेम वही जो हम्प एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्नेल में जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. इस चीज को आप याद रखेंगे क्योंकि मस्क्यूलर फुट है वो तो कहाँ होता है? सेल के बाहर होता है, बिकॉज वो लोकोमोशन में काम करता है. इज दैट क्लियर? मूवमेंट में काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको लोकोमोट करने में हेल्प करता है. ओके, बट जो हेड है वो जब भी उसको जरूरत होती है उसको बाहर निकालते हैं. इस पे सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं, बट विसरल हम्प जो है वो कहाँ होता है? इसके अंदर होता है, सेल के अंदर. अच्छा, इसके अलावा देखिए विसरल हम्प जो होता है दिस वन, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वापस एक डायग्राम बनाया कि ये विसरल हम्प है. ओके, विसरल हम्प के ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर होती है, क्लियर है, विच इज मेड अप ऑफ स्किन. विसरल हम्प के ऊपर, यानी पूरा सेल के अंदर ही होता है ये सब कुछ. ओके, तो विसरल हम्प के ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर होती है विच इज कंसिस्ट ऑफ स्किन, और इस लेयर को हम कहते हैं मेंटल. क्या बोलते हैं इस लेयर को? हम मेंटल बोलते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं विसरल हम्प और जो मेंटल है इसके बीच में जो
कैविटी होती है, जो स्पेस होता है, दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी। ओके, यानी विसरल हम्प। देखिए, ये हम जो बात कर रहे हैं वो सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। कैल्केरियस सेल है, सेल के अंदर ही विसरल हम्प होता है, और विसरल हम्प के ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर होती है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्किन। ओके, इस लेयर को हम बोलते हैं मेंटल, अंडरस्टैंड। और मेंटल और जो विसरल हम्प है, इसके बीच में जो स्पेस होता है, कैविटी होती है, दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी। ओके, दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी। अब इस मेंटल कैविटी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज नोन एज गिल्स। ओके, या इनको हम रेस्पिरेटरी गिल्स भी कहते हैं। तो इनका मेन फंक्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, गिल्स का मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, एज वेल इज इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। इज दैट क्लियर? सो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको समझिएगा। विसरल हम्प है, बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, हेड के ऊपर सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, मस्क्यूलर फुट जो कि सेल से बाहर होता है, लोकोमोशन मेन फंक्शन होता है इसका। इसके अलावा विसरल हम्प है जो कि सेल के अंदर होता है, विसरल हम्प के ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, दैट इज नोन एज मेंटल, और मेंटल और विसरल हम्प के बीच में क्या होता है, एक कैविटी होती है, दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी गिल्स, जो रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन में काफी हेल्पफुल होते हैं। ओके, अगर हम सेक्स की बात करें तो डायसियस होते हैं, यानी सेपरेबल होते हैं, मेल और फीमेल। ओविपेरस है, इट मीन्स दे आर लेइंग एग्स। ओके, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट ना होके लार्वल स्टेजेस आते हैं बीच में, और उसके थ्रू ही डेवलपमेंट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द मोलस्काज, आई होप इट इज क्लियर टू यू बेटा। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, गुड बाय।